वेलकम टू न्यू लेसन। जो लास्ट टू लेसन्स थे वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो आई होप कि आपने वो दोनों लेसन ध्यान से देखे हैं। एंड इन केस अगर आपको दोबारा देखने की जरूरत है सो प्लीज डू दैट, आपको ये लास्ट दो लेसन बार बार देखो ताकि आप एक ओवरऑल स्ट्रेटजी समझ जाओ कि कैसे एड्स रन करनी है। एड्स बनाना आसान काम है, बट उसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी समझना इज द रियल गेम। अगर आप ओवरऑल स्ट्रेटजी समझ गए देन आपके लिए एड बनाना बच्चों का खेल है। बिलीव मी ऑन दिस, ओवरऑल स्ट्रेटजी समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रनिंग द एक्चुअल एड। सो आज के लेसन में आप समझोगे कि कैसे आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो बेस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक एंड वीडियो व्यूज। ठीक है, आप दो कस्टम ऑडियंस बनाना सीखोगे, पहली बेस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक एंड सेकेंड बेस्ड ऑन वीडियो व्यूज। ठीक है, सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो बेस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पे जाता हूं। ओके, अब सपोज करिए कि मैं क्या ऑडियंस बनाना चाहता हूं कि कोई मेरी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे आया। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ये ऑडियंस बनाना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे इस पेज पे आए, इसकी मैं ऑडियंस बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये पेज क्या है, deepaksinghmarketing.com/schedule-a-call। ये जो पेज है मैं ऑडियंस ये बनाना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे इस पेज पे आए हैं। ठीक है, दूसरी ऑडियंस मैं क्या बनाना चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे अभी तक कितने लोग आए, पूरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहली ऑडियंस कौन सी बनाते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप देख सकते हो एड मैनेजर पे हूं, तो सबसे पहले मैंने कहां जाऊंगा, यहां बिजनेस टूल को क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा यहां पे ऑडियंसेस। और ऑडियंस क्या बनानी है मुझे कि कितने लोग, पहले मैं एड अकाउंट सही सेलेक्ट कर लेता हूं, मुझे ऑडियंस क्या बनानी है कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए। ये है मेरी ऑडियंस नंबर वन। ठीक है जी, क्या है ऑडियंस नंबर वन, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए। राइट, तो चलो बनाते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, क्रिएट ऑडियंस क्लिक करो। हम कौन सी ऑडियंस बना रहे हैं, कस्टम ऑडियंस क्लिक करो। और हम कौन सी ऑडियंस बना रहे हैं, अगेन वेबसाइट ट्रैफिक ऑडियंस बना रहे हैं बेस्ड ऑन वेबसाइट ट्रैफिक, तो वेबसाइट ट्रैफिक को क्लिक करो। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, इंक्लूड पीपल हु मीट, क्या यहां पे मेरा पिक्सल है, और ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं उसकी ऑडियंस बना दो। कितने दिनों में आए हैं, 180 दिन, मतलब मेरी वेबसाइट पे पिछले 180 दिन में जितने लोग आए हैं उसकी ऑडियंस बना दो। फेसबुक में हम 180 दिन से ज्यादा की ऑडियंस नहीं बना सकते। तो अगर आप ये ऑडियंस बनाना चाहते हो कि पिछले 200 दिन में आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फेसबुक में खाली 180 दिनों तक ही बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 200 लिखा, देखो क्या रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180, तो हम 180 दिन से ज्यादा की नहीं बना सकते। ठीक है, तो सिंपल ये क्या कह रहा है फेसबुक, पिछले 180 दिन में मेरी वेबसाइट पर जितने लोग आए हैं उसकी फेसबुक ने ऑडियंस बना दी। ठीक है, इस ऑडियंस को अब एक सिंपल नाम लिख देते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। सिंपल बन गई ऑडियंस। राइट, क्या ऑडियंस बनाई है मैंने, पिछले 180 दिन में मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं उसकी मैंने बना दी ऑडियंस। अब ये मेरी वेबसाइट पे एक और पेज है, देखो कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं किसकी ऑडियंस बनाना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरे इस पेज पे आए हैं। राइट, तो इससे पहले कि मैं ये ऑडियंस बनाऊं,
एक और ऑडियंस बनाते हैं दोबारा से, कौन सी ऑडियंस, वही वेबसाइट ट्रैफिक और ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन द लास्ट 180 डेज। लास्ट 180 डेज में मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आए, सेम ऑडियंस, बट यहाँ पे मैं डिफरेंस क्या दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला इंक्लूड मोर पीपल, दूसरा एक्सक्लूड पीपल। अगर मैं और लोगों को इंक्लूड करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, और कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहता हूं तो वो एक्सक्लूड भी कर सकता हूं। अब अगर मैं करता हूं इंक्लूड मोर पीपल, अब देखो यहां पे इस पर्टिकुलर ऑडियंस में और लोग इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे जितने लोग आए हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया है, तो इसके अलावा क्या मैं इंक्लूड करूं। बट फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं एक्सक्लूड क्या करना चाहता हूं, जो भी लोग मेरे इस पेज पे आए हैं कॉन्टेक्ट पेज पे उसको एक्सक्लूड करना चाहता हूं, तो वो मैं कर सकता हूं। वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैं वापस आता हूं, मैं जाता हूं एक्सक्लूड पीपल। किसे एक्सक्लूड करना चाहते हो? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। क्या आप जितने लोग आए हैं उन सबको एक्सक्लूड करना चाहते हो? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मेरी तो ऑडियंस ही क्या है, जितने लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट किए। दूसरा ऑप्शन, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई स्पेसिफिक वेब पेज विजिट किया है उसे एक्सक्लूड करना चाहते हो। तीसरा, विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। अगर मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट किया है उन्हें एक्सक्लूड कर दूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं, बट अगेन ये करना सही नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम योर इवेंट्स। याद है आपको हमने इवेंट्स बनाए थे, इवेंट पिक्सल, जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि लीड हो गया, जैसे कि सेल हो गया। तो अगर मैं ये एक्सक्लूड करना चाहता हूं कि जो भी मेरे लीड हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं, तो वो मैं कर सकता हूं, राइट? मुझे क्या करना है, जितने भी लोग इस पेज पे आए हैं उन्हें मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, देन यहां पे URL आ गया, और कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैंने ये लिया कॉन्टेक्ट, राइट, और मैंने यहां पे लिख दिया कॉन्टेक्ट। अब होगा क्या, हर वो पेज जिसमें कॉन्टेक्ट लिखा आ रहा होगा फेसबुक उसे क्या कर देगा, एक्सक्लूड, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल्स, और ये पूरा मैं URL कॉपी करूं और फेसबुक इसे क्या कर देगा, एक्सक्लूड। इस पर्टिकुलर पेज को फेसबुक क्या कर देगा, एक्सक्लूड, और इन द पास्ट मुझे क्या कर देना है, 180 डेज, राइट। यही एक तीसरा ऑप्शन था जो कि था डज नॉट कंटेन, और सपोज मैंने यहां पे किया कॉन्टेक्ट, मतलब अब फेसबुक क्या करेगा, हर वो पेज एक्सक्लूड कर देगा जिसमें कॉन्टेक्ट नहीं लिखा, राइट। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं पूरा URL कॉपी करता हूं और इसको कर देता हूं इक्वल्स, और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और इसका नाम क्या लिख देता हूं, पीपल हु हैव विजिटेड, यहां मैं लिख देता हूं विजिटेड वेबसाइट एक्सक्लूडिंग कॉन्टेक्ट पेज, और इसे कर देता हूं क्रिएट ऑडियंस। बिल्कुल ही आसान, राइट। तो हमने ऑडियंस क्या बनाई, ऐसे लोग जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं, और मैंने एक्सक्लूड किसे कर दिया, जो जो मेरे कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आए, सिंपल, ठीक है। एक और ऑडियंस बना के देखते हैं, वापस जाते हैं कस्टम ऑडियंस, वापस जाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। अब ऑल वेबसाइट विजिटर हमने देख लिया, अब अगला ऑप्शन क्या है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, राइट। तो सपोज करो मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं जो कि कहां गए हैं, इस वाले पेज पे, शेड्यूल अ कॉल वाले पेज पे गए हैं, है ना, और एक्सक्लूड किसे करना चाहता हूं, जो इस कॉन्टेक्ट वाले पेज पे गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, शेड्यूल अ कॉल वाला ये लूंगा, सिंपल, अ पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द लास्ट 180 डेज, और कंटेन्स को मैं कर दूंगा इक्वल्स, इसको कर देते हैं शेड्यूल अ कॉल, और यहां से करूंगा एक्सक्लूड पीपल, और इसे मैं कर दूंगा हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, इसे मैं कर दूंगा 180 डेज, और इक्वल्स किसे एक्सक्लूड करना है, जो इस कॉन्टेक्ट पेज पे गया है, तो इसे मैंने कर दिया एक्सक्लूड, सिंपल। और यहां पे मैं नाम लिख दूंगा ऑडियंस का, तो लिख देता हूं विजिटेड कॉल पेज
एक्सक्लूडिंग कॉन्टेक्ट अस पेज, और ये कर दिया क्रिएट ऑडियंस, डन। बहुत ही सिंपल, ठीक है। एक और ऑडियंस बना के देखते हैं, वापस जाते हैं कस्टम ऑडियंस, वापस जाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक, और ऑल वेबसाइट विजिटर्स की जगह इस बार लेते हैं विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट, मतलब किसने मेरे वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट किया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 25%, जो टॉप 25% लोग हैं जिसने आपके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट किया है उसकी फेसबुक क्या बना देगा, ऑडियंस। या फिर टॉप 10%, तो टॉप 10% लोग हैं जिसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट किया है उसकी ऑडियंस बना देगा। या फिर टॉप 5%, मतलब जिन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट किया है उसमें से टॉप 5% उसकी ऑडियंस बना देगा फेसबुक। अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट पे जितने लोग हैं जिन्होंने टॉप 5% टाइम स्पेंट में उसकी ऑडियंस बना देगा फेसबुक। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, देख लो ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट स्पेसिफिक वेब पेजेस। मैं क्या चाहता हूं कि जितने लोगों ने इस पेज पे जितने लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है उसके टॉप 5% वाली ऑडियंस बन जाए, राइट। तो ये कॉपी किया, कंटेंट्स की जगह कर दिया इक्वल्स, और यहां कर दिया पेस्ट। इसका मतलब इस पेज पे टाइम स्पेंट वाइज जो टॉप 5% लोग हैं उसकी ऑडियंस बना देगा फेसबुक, और जिन्होंने पेज विजिट कब किया हो, इन द लास्ट 180 डेज। और यहां पे ऑडियंस का नाम लिख दो, टॉप 5% टाइम स्पेंट, और आगे लिख दो शेड्यूल कॉल, और इसे कर दो क्रिएट ऑडियंस। ऑडियंस साइज टू स्मॉल कह रहा है, ऑडियंस साइज ज्यादा स्मॉल हो सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डन, ठीक है। वापस जाओ क्रिएट ऑडियंस, वापस जाओ कस्टम ऑडियंस, वापस जाओ वेबसाइट ट्रैफिक। अब इसके अलावा क्या बचा है, फ्रॉम योर इवेंट्स। याद था आपको, वो हमने इवेंट्स बनाए थे, लीड इवेंट, परचेज इवेंट, राइट। तो अगर आप उस ऑडियंस के बेस पे, उसके बेस पे ऑडियंस बनाना चाहते हो तो आप वो भी काम यहां से कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो मैं क्या ऑडियंस बनाना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जो इस पेज पे गए हैं प्लस इस पेज पे भी गए हो, इस पेज पे भी गए हो शेड्यूल अ कॉल पे प्लस कॉन्टेक्ट पेज पे भी गए हो, तो बहुत ही सिंपल है। वापस में आया, इसे मैं कर दिया पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द लास्ट 180 डेज, कंटेंट्स को कर दिया इक्वल्स, शेड्यूल अ कॉल वाला लिया, यहां क्या कॉपी, एंड ऑल्सो URL इक्वल्स ये, ठीक है। मतलब पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द 180 डेज, URL ये वाला हो और ये वाला, जो दोनों URL पे आया होगा उसी की ऑडियंस फेसबुक अब बनाएगा। अब सपोज करो मैं ऑडियंस क्या बनाना चाहता हूं, उन लोगों की जो इस पेज पे आए हो 3 बार से ज्यादा, मतलब इस पेज पे जो आया है और 3 बार से ज्यादा आया है, मैं उसकी ऑडियंस बनाना चाहता हूं। तो सिंपल ये URL मैंने कॉपी किया, वापस गए क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट ट्रैफिक, हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द लास्ट 180 डेज, इसको मैंने किया इक्वल्स, पेस्ट किया, फर्दर रिफाइन बाय हमने किया फ्रीक्वेंसी और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब जो इस पेज पे आया हो और कितनी बार आया हो 2 या उससे ज्यादा उसकी ऑडियंस फेसबुक मुझे बना के दे देगा, ठीक है। उसकी ऑडियंस फेसबुक मुझे बना के दे देगा, और यहां पे सिंपल मुझे ऑडियंस का नाम लिखना है और मैं ऑडियंस को सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सपोज करो एक और ऑडियंस बनाना चाहता हूं, वो ऑडियंस क्या है, ऐसे लोग जो या तो इस पेज पे आए हो या इस पेज पे आए हो, ठीक है, या तो शेड्यूल कॉल पे आए हो या इस पे आए हो, उसकी ऑडियंस। तो सिंपल क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट ट्रैफिक, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द लास्ट 180 डेज, इसको किया मैंने इक्वल्स और इसको किया कॉपी और इसको पेस्ट किया, इंक्लूड मोर पीपल और मैंने किया हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इन द लास्ट 180 डेज,
यू आर एल इक्वल्स, और ये वाला पेज लिया मैंने और यहां पे किया पेस्ट, राइट, और इस ऑडियंस का नाम लिख दिया। तब ऑडियंस कौन सी बनी है? ऐसे लोग जो तो आए हो या तो शेड्यूल अ कॉल वाले पेज पे, या ऐसे लोग जो आए हो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे, इसकी मेरी क्या बन गई? ऑडियंस, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस हैं जो कि आप बना सकते हो, और इन ऑडियंसेस को बनाने का फायदा क्या है? तो फायदा नंबर वन, आप इनके लिए रीमार्केटिंग एड्स, इन्हें रीमार्केटिंग एड्स दिखा सकते हो, प्लस लुक अलाइक ऑडियंसेस के लिए इन्हें यूज कर सकते हो, राइट। इन्हें रीमार्केटिंग एड्स दिखा सकते हो, प्लस इनसे लुक अलाइक ऑडियंसेस भी बना सकते हो। अब होता क्या है, जब भी आप ऑडियंस बनाओगे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, पॉपुलेटिंग, राइट। तो कई बार फेसबुक को 24 to 48 hours लग जाते हैं आपकी ऑडियंस को पॉपुलेट करने में, राइट। और अब देखो ये ऑडियंस छोटी है, तो फेसबुक क्या दिखा रहा है, बिलो 1000, मतलब इसमें 1000 लोगों से कम लोग हैं, इसलिए फेसबुक बिलो 1000 दिखा रहा है, ठीक है जी। सो आज आप ये बनाने की कोशिश करिएगा, मैं वीडियो वाली ऑडियंस अभी नहीं बता रहा, वो कल के लेसन में हम सीखेंगे, नहीं तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये डिफरेंट टाइप की जो भी हमने ऑडियंसेस बनाना सीखी, आप ऐसी ऑडियंसेस आज बनाओ ताकि हम इसे रीमार्केट कर सके, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये ऑडियंसेस बना रहे हो। ये ऑडियंसेस क्या बनाई थी हमने, हमने बनाई थी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में हमने बनाई क्या, वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक में क्या बना सकते थे आप, तो चार टाइप के ऑडियंसेस बना सकते हो। पहला ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उनकी, प्लस जो स्पेसिफिक पेजेस विजिट कर रहे हैं, प्लस जो टाइम स्पेंट, आप टॉप 25% 10% या 5% उनकी भी ऑडियंस बना सकते हो, प्लस हम इनमें और लोग ऐड कर सकते हैं, प्लस हम चाहें तो लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो जो लोग किसी और वेबसाइट पे दूसरे पेज पे विजिट कर चुके हैं उसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, प्लस हम और लोगों को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस लेसन में सीखी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आज इसकी प्रैक्टिस करो, प्लीज 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 डू दैट, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।